रिपोर्ट सुनील पटल्या बेड़िया। एक सप्ताह पूर्व नगर के नटराज टेंट हाउस के डीजे वाहन से डीजे की 5 मशीनें चोरी हुई थी। फरियादी सुरेंद्र वर्मा ने चोरी हुई मशीन की बेड़िया थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उक्त मामले को लेकर थाना प्रभारी सौरभ बाथम ने वरिष्ठ अधिकारियों का अवगत कराकर खरगोन एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान के निर्देश पर टीम गठित की गई। एसडीओपी मान सिंह ठाकुर व टीआई सौरभ बाथम ने बताया कि चोरी की घटना को लेकर क्षेत्र के डीजे संचालन करने वालों से पूछताछ की गई, जिसमें मुखबिर की सूचना पर पता चला कि ग्राम अंबा का राहुल डीजे की मशीनें बेचने की फिराक में है। पुलिस ने राहुल को धर दबोचा और सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी राहुल पिता जगन भिलाला ने उसी के भाई प्रेम सिंह भिलाला दोनों निवासी अंबा व जीजा महेंद्र पिता कल सिंह निवासी चैनपुर ने अपनी की बाइक से डीजे मशीनें व खेत में पानी की सिंचाई की मोटर पंप चोरी करना कबूल की है, जिसकी कीमत करीब 2 लाख रुपए की है। तीनों आरोपियों का पुलिस ने सोमवार को चोरी का पर्दाफाश करते हुए न्यायालय में पेश किया गया। तीनों आरोपियों का पुलिस ने रिमांड भी मांगा है। सुरेंद्र वर्मा जो लतरा टेंट हाउस चलाते हैं, उनके यहाँ डीजे मशीन जो थी डीजे उसमें वाहन में, वो दिनांक 4-5 रात्रि को चोरी हो गई थी। इस हादसे की रिपोर्ट सुरेंद्र वर्मा ने थाना मीडिया में लिखवाई थी। वो उक्त अपराध की विवेचना में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री शैलेंद्र सिंह चौहान साहब के मार्गदर्शन, एडिशनल एसपी हमारे जितेंद्र कुमार साहब और डॉक्टर नीरज सिंह चौरसिया साहब के मार्गदर्शन में हमने एक टीम थाना प्रभारी सौरभ बाथम और उप निरीक्षक बलवीर यादव, सहायक उप निरीक्षक चंद्रशेखर, आरक्षक सोहेब और इस चोरियों को खोजबीन में लगाया गया था। 14 तारीख को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि अंबा गांव के राहुल और महेंद्र प्रेम सिंह जो दो भाई हैं और एक जीजा है, ये मशीनें बेचने की फिराक में हैं। इस पर थाना प्रभारी ने अपने कुशल नेतृत्व का परिचय देते हुए अपनी टीम को लगाकर इनको दर दबोचा और पूछताछ बारीकी से करने पर राहुल के पास से 1-2 माह से मशीन करीब 98,000 की और एक पुरानी चोरी की पनडुब्बी और वायर जो पहले 2020 में चोरी हुए थे वो कबूल किया, जो उसके पास से बरामद की। इसी प्रकार प्रेम सिंह के पास से 1 मास्कपेट और महेंद्र से 2 बूस्टर जब्त किया और घटना में जो मोटरसाइकिल उन्होंने अपने प्राइवेट प्रयुक्त की थी वो भी बरामद किए जब्त करके प्रकरण में जब्त की गई है और प्रकरण विवेचना में और कुछ पुराने मामलों की भी पूछताछ इनके की जा रही है और भी प्रकरण विवेचना में। सर कुछ रिमांड भी मांगा है क्या? जी हाँ, इनसे शेष चोरियों के संबंध पूछताछ है तो माननीय न्यायालय से रिमांड लिया जाएगा। कुछ खुलासा हो सकता है सर? और कुछ संभावना है, खुलासा हो सकता है।